नहीं करोगे। चलो आज आप बोलो, बोलोगे बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी आप बोलो, अभी मतलब थोड़ा सा चाची वाला सीख लिए। हेलो एवरीवन, जैसा कि टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चली गया है कि आज हमारी बिटिया रानी हमारा मेकअप करने वाली है, हम भी संतोष करके बैठ गए। चाची से देखती हूँ इन्होंने चाची से कितना सीखा हुआ है। हमारे पास काफी टाइम से हैं और वीडियोस वगैरह देखती हैं, तो इस टिप तो इनको पता है। अब अगर मैं बोल दूंगी नेहा आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो अच्छा ठीक है चाची मैं प्रोडक्ट्स निकाल के रख दे रही हूँ, तो ये प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल लेती हैं। इनको पता है कि कौन से प्रोडक्ट के बाद क्या लगाना है। आप देखेंगे कि मैं कुछ नहीं बोलने वाली, ये सारे स्टेप फॉलो करेंगी। इस स्टेप पे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, अच्छे से कर लेंगी। बस मेकअप स्किल्स आज भाई मुझे देखना है कि एक कितने अच्छी तरीके से अपनी चाची का मेकअप करती हैं, चाची को चुड़ैल बनाती हैं या फिर कुछ और बनाती हैं। मैंने सोचा कि मेकअप करने से पहले मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ। नहीं पता मुझे मेकअप कैसे होने वाला, इंट्रो रिकॉर्ड करने लायक होगा भी कि नहीं। तो प्रोडक्ट निकाल लिए हैं, एक मैं दिखा, देखो इसमें रखी है सारा प्रोडक्ट्स। इतने में हो जाएगा सब कुछ? आई शैडो वगैरह है सब कुछ है इसी इतनी छोटी सी टोकरी में। मतलब इतनी छोटी सी टोकरी में इन्होंने सारा प्रोडक्ट्स ले लिया है। तो यहाँ पर चलो थंबनेल के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे ही स्क्रीन शॉट ले लेंगे हम। तो आज मेरी बिटिया रानी हमारा मेकअप करने वाली है, कल हम इनका करेंगे। एक बार हमने इनका किया था, अब एक बार ये हमारा करके वो क्या बोलते हैं बराबर कर देंगी। मतलब जो भी कर्ज है सारा उतार देंगी, इसके बाद मैं इनको फिर से कर्ज डालूंगी। इसके बाद फिर कभी करेंगी। अच्छा हाँ, इससे पहले कि कोई कुछ बोले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि नेहा जो है हमेशा मेरा मेकअप नहीं करती या खुद ही मेकअप नहीं करती हैं। कभी कितने अच्छे 7 महीने बाद इनको मैंने आज वीडियो में लिया हुआ है। अभी आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे दी प्लीज़ नेहा से अपना मेकअप कराइए, आप नेहा का मेकअप कीजिए, तो इसलिए नहीं तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि मेकअप में ये वो करें, लेकिन हाँ स्किन केयर फॉलो करती हैं। तो अब चलो बातें बहुत सारी हो गई। नेहा सबसे पहले आपको क्या लगाना है? टोनर। हाँ तो टोनर के लिए कौन सा टोनर आप लगाओगे? मैं बालों को सही कर लूँ, नहीं तो सारा टोनर सीरम ये सब कुछ मेरे बालों में लगा देंगी। बालों को कर्ल किया था मैंने, हम सोचे थे कुछ और लुक के लिए, फिर इन्हीं का आइडिया था चाची मैं आपका मेकअप कर दूँ, मैंने कहा कर दूँ बेटा। तो टोनर के लिए यहाँ पर नेहा यूज करने वाली है, मैं आपको प्रोडक्ट्स नेम बताती चलूंगी। ये है गुड वाइब्स का रोज हिप स्किन क्लेरिफाइंग टोनर। बाय द वे जितने भी प्रोडक्ट यूज होंगे उन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड होगा। तो चलो लगाओ, जुट जाओ। सबसे पहले बिंदी निकाल दूँ। चलो ब्लेंड करो, ब्रश से ब्लेंड होता है भाई, फिंगर से कर दे। अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रही है। तो टोनर लगा दिया इन्होंने, टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। यार टोनर आईज में चली गई है। अच्छा अब सीरम के लिए यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये है गुड वाइब्स का मारा कुजा स्किन क्लेरिफाइंग फेस सीरम। तो टोनर के बाद सीरम यूज होता है। इधर मेरे बालों की, बेटा ठीक से ब्लेंड करो। मार लो मार लो, एक ही मौका मिलता है। ओह मैं कैसे जाने दूँ, मार के मौका निकाल रही है। तो थप थप पीट रही है, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि आज हमारी और नेहा की मस्ती यहाँ चलने वाली है काफी टाइम तक। तो अब बारी आती है फेशियल ऑयल की। फेशियल ऑयल के लिए मैं यहाँ पर, मैं नहीं, नेहा यहाँ पर यूज करने वाली गुड वाइब्स रसबेरी स्किन प्यूरिफाइंग फेशियल ऑयल। यूज करो, सीरम तो ब्लेंड हो गया है अच्छे से। नहीं
हमें पता है फाउंडेशन ने खूब ज्यादा लगा देंगी, पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही ये फील हो रहा है। आई क्लोज कर रही हूँ, मुझे मेरा फ्यूचर फेस दिख रहा है। प्राइमर के लिए यहाँ पर पर्पल का 24K गोल्ड प्राइमर लगाओ, और ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है चेयर, इसे नेहा को समझ लो, नेहा खड़ी होगी मेकअप कर रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है मेकअप कैसे होने वाला है? अभी तक तो सब सही से ही जा रहा है, इसके बाद देख। अब इसी के बाद तो आने वाला है। फाउंडेशन के लिए यहाँ पर पर्पल का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक यूज करने वाली है। हमने ही बोला कि इसे यूज कर लो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं तो अभी लिक्विड हो या फिर कुछ फाउंडेशन मैं इनको दू ना तो फिर मेरा पूरा फेस भूतिया बन जाएगा, इसीलिए मैंने कहा इसे आप यूज करो। और ये काफी अच्छा है, कुछ नहीं यहाँ से आपको ऐसे करना है, ओपन कर लो, यहाँ से लिपस्टिक की तरह लगा लो, लो और ये ना मेरी स्किन से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ज्यादा होने का कोई सवाल ही नहीं है। अरे भाई मुझे अच्छा दिखना है, अगर मेकअप अच्छा हो जाएगा तो एक दो रील्स बना लूंगी मैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो कि नहीं? नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो @priyadi। तो ये देखो, अब ब्लेंड करने के लिए रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज हो रहा है। ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ वो मुझे लग गया ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब सीख गई हो रही है। मतलब चाह रही हो चाची सुंदर दिखे और क्या। ब्राइटनेस पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, कभी कभी वीडियो खूब लंबा होने वाला है, बातें इतनी सारी हो रही है कट ही नहीं सकता। कंसीलर, हाँ कंसीलर के लिए यहाँ पर एम्स्टरडैम का कंसीलर स्टिक यूज किया जा रहा है। लो स्किल्स देख लो, आई शैडो प्राइमर के लिए इसे लगा रही है। कहाँ लगाना है जानती है। ओके बंद कर लूँ, नहीं तो पता चला अभी फिंगर डाल दे। सब तो सही होगा, आईलाइनर ही नहीं लगा पाएंगे, अभी से बोल रही हूँ, लेकिन ये लगा लेनी है, छुपे रुस्तम है। कंसीलर ब्लेंड हो गया, चलो एक मिनट मैं एक काम करती हूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि ये भी दिखे। हाँ अब कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ पर फॉक्युलर का फ्लॉलेस सेटिंग पाउडर यूज करने वाली है। थोड़ी बहुत हेल्प करा दे रही हूँ, नहीं तो बोलेंगी चाची हमसे ही सारा काम करा रही है। जहाँ जहाँ मुँह में चला जा,
जहाँ जहाँ कंसीलर लगाई है वहीं वहीं लगा रही। ओहो चाचा इनके देखने आए हैं हमारी बिटिया रानी कैसे मेकअप कर रही है। हम भी सोच रहे थे तो हाथ कर ले। नहीं नहीं आप इधर आ जाओ। नहीं नहीं ट्राई मत कर लो आ जाओ। आए हैं देखने की बिटिया इनकी कैसे मेकअप कर रही है कैसे कर रही है। आ जाओ थोड़ा कैमरे में आ जाओ आ जाओ। फिलहाल ठीक चल रहा है। अच्छा अब चलो आई शेडो ये देखो यहाँ आगे खड़े हैं देखो। अच्छा चल रहा है फिलहाल। फिलहाल अच्छा चल रहा है। हम भी सोच रहे हैं थोड़ा सा सीख लें। नहीं कल आप कर दिया। आओ ले अब इसको निकाल दे। डॉक्टर गांधी जी वाला मेकअप करवा के ऐसे नहीं। अरे नेहा करेंगी आप नहीं आ सकते हो इसमें। बिटिया हेल्प बिटिया की हेल्प नहीं करना है। अच्छा यहाँ पर आई शेडो के लिए यूज किया जा रहा है मेबलिन न्यूयॉर्क का लिमनेड क्रेज आई शेडो पैलेट। तो कौन सा सेट लगाने वाली हो सबसे पहले कौन सा। सबसे पहले क्रीज में लगाया जाता है ना तो इस चीज ये है स्वीट टी। स्वीट टी सेट को क्रीज में लगाना। भूतिया मत बनाना बस मुझे देखते रहना है खुद को। अब आई शेडो लगा दे। अच्छा ब्रश तो अच्छे से पकड़ ली है चलो लगा लेंगे। कलर ही ऐसे सिलेक्ट करी है ओके। क्रीज इन्होंने देखो कितने अच्छे से बनाया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ से इस शेड को पिक कर रही है जो कि है कोरल पंच शेड। इस शेड को पिक करके पूरी आईलिड पे लगाएंगी। कलर सिलेक्शन अच्छा है इसीलिए आई मेकअप अच्छा लग रहा है। ओ वाओ अच्छा लग रहा है आई मेकअप। देखिए काफी न्यूड लग रहा है जो कलर है इस ड्रेस से ही मैच कर रहा है। अच्छा आई लाइनर सिलेक्शन इनका देख लीजिए पेन की तरह सिलेक्ट करी है ताकि कोई गलती ना हो। तो आईलाइनर के लिए इन्होंने स्टेक वर्की का लिक्विड पेन आईलाइनर लिया हुआ है। चलो देखती हूँ सिलेक्ट तो अच्छा किया है आपने। फेल हो गई आईलाइनर नहीं लगा पाई। एक मिनट ये देखिए फिल करो इसे अच्छे से। इधर थोड़ा सा ठीक है इधर थोड़ा सा ऐसे करके इसे मिलाओ तब सही हो जाएगा। हेलो एक सेकेंड हेलो। हमें पता था यही आईलाइनर लगाते टाइम मिस्टेक होगा इनसे। नहीं उससे मत करो अभी ये सूख जाएगा ना तब सही हो जाएगा। ऐसे करोगी तो खराब हो जाएगा। इसे फिर देखो इसे यहाँ से ही ऐसे मिलाओ यहाँ से ये देखो ये जो यहाँ ऊपर ऐसे जो जहाँ थोड़ा सा गैप है वहां से मिलाओ ऊपर 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 पागल कहाँ से ये देखो यहाँ मैं बोल रही हूँ।
बस हो गया। अभी ये जब सही हो जाएगा तो सारा सही हो जाएगा, देखिए सही हो जाएगा। अब ऐसे ही साइज में बनाओ। हाँ ये वाला सही है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऊपर उठा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। बस तो इधर वाला भी सही हो जाएगा, बाकी इधर का सही अच्छा बनाया इन्होंने, इधर का थोड़ा सा यहाँ से अभी कॉम्पैक्ट लगा देंगे इसे। देखो जुगाड़ भी पता है, कॉम्पैक्ट लगा देंगी तो सही हो जाएगा, तो अभी कॉम्पैक्ट से सही हो जाएगा। इसके बाद इसको पहले सही कर दो। आईब्रो फिल करने के लिए यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है लैक्मे करीना कपूर खान ब्रो डिफाइनर। लो चल बनाओ, हथियार लेके जुट जाओ। अंदर अंदर ही फील करी है, बाहर नहीं करी है। अच्छा एक्चुअली आईब्रो ग्रोथ भी मेरी काफी ज्यादा हो गई है, तो इससे थोड़ा सा इनकी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, काफी टाइम हो गया आईब्रो नहीं सेट किए। आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, वही तभी क्यों किए हैं। आईब्रो अच्छी लग रही है, ये थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा लाइट से थोड़ा सा डार्क कर दो। अब इस पुली की हेल्प से सेट कर दो। यहाँ ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छूटा है और डर की वजह से कि ज्यादा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या कॉम्पैक्ट, हाँ कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट के लिए यहाँ पर यूज कर रही है मेबलिन फिट मी मैट पॉलिश कॉम्पैक्ट, मेरा सेट 220 है। चलो देखो, बताना नहीं पड़ रहा है इनको, सब कुछ पता है। और पाउडर ब्रश भी ले ली है। ज्यादा ही ब्राइटनेस बढ़ जा रही है। माय गॉड मेकअप बहुत बड़ा हो गया वीडियो। ओके अब गुड नाइट, गुड नाइट। ओ ब्लश ब्रोंजर हाइलाइटर उसके लिए यहाँ पर यूज करने वाली है मेकअप रिलेशन का फेस पैलेट, ये है। इसमें ब्रोंजर ब्लश हाइलाइटर तीनों मिल जाएगा। तभी तो मैं सोचूं एक छोटी सी टोकरी में सारा सब कुछ कैसे आ गया। तो सबसे पहले क्या लगाना है, ब्रोंजर। हाँ
तो ब्रोंजर ब्रश भी यहाँ पर ली है। इतना लगाया जाता है यहाँ तक। क्या करी है इसको ब्लेंड। थोड़ा तुम्हारी तरफ ही कर दे। सही हो गया। ओके अब ब्लश लगाओ। इस ब्लश में आपको हाइलाइटर जैसा इफेक्ट भी मिल जाएगा, तो इसीलिए ब्लश लगाते ही हल्का हल्का सा ग्लो भी करने लगा चीक। तो हाँ, अब हाइलाइटर की बारी आती है। सारे के ब्रश अलग से रखी हैं। हाइलाइटर लगाते ही लिपस्टिक पक्का खराब करोगी। अभी सारा सब कुछ सही करती आई। ताकि शेप मिल जाए। ओके, नोज पे फिंगर की हेल्प से लगा देने तो पूरा। अब नकिया चमका था। लिपस्टिक के लिए कौन सी लिपस्टिक रखी हो? NYB की। अच्छा, तो लिपस्टिक के लिए यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है NYB लिक्विड लिपस्टिक, जो इनकी न्यू लॉन्च है आई थिंक। यस, शेड नंबर 29। ओ अच्छा, गलती ना हो। न्यूड कलर। चॉकलेट खिला रही हो। चलो थोड़ी सी इनकी हेल्प करा दे रही हूँ। Hey!
जरा इतर तक गिरा। देखो तुम कहाँ हंस रही हो, गलती उसकी थोड़ी ना। तीन बार कर चुकी है, दो बार यहाँ लगाई ना, तो कोई पेंटिंग चल रही है। इनसे लिपस्टिक नहीं हो पाएगा, चलो फेल हो गई। लिपस्टिक मैं लगा ले रही हूँ। मैं नहीं लगाने दो। अरे नहीं, लिपस्टिक के लिए माफ करो। देखो तो मैं लगा ले रही हूँ। वैसे कलर सिलेक्शन अच्छा था, इतनी गलती करी है पता नहीं चल रहा है। सच बताओ लिपस्टिक लगाते टाइम किसी और के लिप पे ना मुझसे भी मिस्टेक होती है। लिप काफी सॉफ्ट है तो उस पर नहीं हो पाता कंट्रोल। और एक डर भी रहता है, इधर हो गया तो खराब, इधर हो गया तो पूरा मेकअप खराब। और इससे आपका मेकअप मैट हो जाता है, लॉन्ग स्टे करता है। ज्यादा ना लगाओ, रात है, रात ही 11 बज रहे हैं, ज्यादा देर तक टिक जाएगा। ओके अच्छी लग रही है, मेकअप अच्छा करी है। तो अब थोड़ा सा ज्वेलरी वेलरी कुछ दे दो डाल में, देखती हूँ कैसी ज्वेलरी लेके आती है। मेकअप अच्छा लग रहा है ना, हेयर स्टाइल मैंने कुछ नहीं करा, बस वही जल्दी लेके आई हो। ये वाली कितनी बड़ी थी, चलो पहनाओ। फिर मैं इसे भी निकाल दे रही हूँ, मांग टीका भी लगा दो। आ फंस जा रहा है बालों में। कैसे लगाओगी? डाकिया बाबू डाकू है पक्का। कहाँ चली गई? ओ जुगाड़ लगाने गई थी। भाई पेन लगा दी। ओ अब अच्छी लग रही है। मेरा फाइनल लुक जो कि काफी अच्छा आया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से, मेरी सोच समझ से काफी ज्यादा अच्छे है, मतलब मेरी सोच समझ से काफी परे है। मैंने जैसे सोचा था कि भूतिया लुक मुझे चुड़ैल बना देंगी, आईलाइनर यहाँ से यहाँ तक फैल जाएगा, फाउंडेशन एकदम वाइट वाइट लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा लुक बना दी है। चाची को नहीं चाहती थी कि चाची की बेइज्जती हो ना, तो फिर रील्स में बना दीजिएगा। हाँ मतलब रील्स बना दो, मोबाइल कहाँ चार्ज है।
हो जाएगी दो मिनट में, मतलब अब जब तक मोबाइल चार्ज नहीं होगी मैं ऐसे ही मेकअप करके बैठी रहूं, इसके बाद रील से बनाऊं, तो जब तक मैं वेट कर रही हूं आप लोग वीडियो को लाइक करें, बिटिया रानी का मेकअप अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई और भी चैलेंजिंग वीडियोस देखना है तो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें, कौन सा चैलेंज कर सकते हैं नेहा, जो बोल ले, जो बोल दो, जो बोलो हम लोग कर लेंगे सभी सब। आज किसी को भूख नहीं लगी है, मैंने कहा एक काम करो पहले तुम लोग खा पी लो इसके बाद फिर हम चैलेंज करते हैं, तो अभी किसी को भूख नहीं लगी है सच्ची बताऊं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेकअप लुक, हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे आप गरबा नवरात्रि में क्रिएट कर सकते हो गरबा के लिए, अच्छा आ रही है। हाँ नवरात्रि आ रही है, कितने दिन रह गए हैं, तो 8 दिन रह गए। हाँ तुम तो कुछ बोल रही थी, पता नहीं कब बोल रही थी घर जाना है, चाचा से पूछे, चाचा अभी नहीं जाना है, अरे नहीं जाना नहीं है, पापा जाने वाले हैं ना, नहीं पापा नहीं जाने वाले हैं अभी, पापा रहेंगे नवंबर बाद भैया के बाद। हाँ वही, तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा जरूर, हम माँ बेटी की चिट चैट आपको पसंद आई हो, हम लोगों का मेकअप मतलब बिटिया रानी का मेकअप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ काफी सारी गपशप आपको मेरे ब्लॉग चैनल पे देखने को मिलेगी प्रिया दी ब्लॉग चैनल पे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, सो अब दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय बाय।